हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। सुबह सुबह जल्दी जल्दी काम करके, अपने स्नान आदि करके, अपने काम निपटाने के बाद में ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं। और सबसे पहले कर रहे हैं मंदिर में पूजा। ना, देसी घी निकाल लिया डिब्बे में, ये यूज करने के लिए और ये रखने के लिए। अब बनेंगे पराठे देसी घी के। Oye, ¿me puedo decir? ¿Qué es que te puedo decir? No me matan. Almárgate con todo acá. ¿Qué es que te puedo decir? ¿Aquí se te puedo decir? ¿Papá? No, papá, ¿qué te puedo decir? ¿Aquí es que le iban a hablar a ti? ¿No me quiere? इसमें पैर नहीं रखते, इसकी पूजा करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, इसके हाथ जोड़ते हैं, फिर पैर रख लिए, हाथ जोड़ते हैं बेटा, हाथ जोड़ते हैं, पैर नहीं रखते। चलो बोले मेरा बेबी, आ जाओ। तू कर पाओगे रोटी? अरे ना, अरे ना, कैसे बनाएगी रोटी? अच्छा, पापा के लिए बनाएगी, मम्मी के लिए बनाएगी? ये नहीं मान ले, ये तो यही बैठेगी। के बाद में अब खाना पीना बना दिया था दोपहर का सबका। और तो बनाने के बाद में क्या करूं, मैंने सोचा थोड़े जमे तोड़ लिया जाए। अब तो वानिका सोरी, लेकिन वानिका कहाँ सोने वाली मेरे बिना। मैंने अभी अभी आटा बनाया, पर आज भी बल्कि इधर ही रख दी, और हाथ भी नहीं धोगा। मैंने सोचा दो चार बत्ती फटाफट फटाफट तोड़ ही लो, एक टिफिन आटा बनाया छोटा सा। तो वानिका ने देखा मम्मी क्या कर रही है, तो मम्मी कहने लगी मैं तोड़ूंगी। जब सोती सोती भी जाना कुकर जगह कुछ नहीं, उठते उठ के बैठ गई और तोड़ने लगी। जब देखो कितने बड़े सुंदर सुंदर जब तोड़ रखे हैं, तोड़ते डिब्बे में। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वहां बैठ के तोड़ो, ऊपर है, पर बैठ के तोड़ो बेटा, इस पर बैठ के नहीं तोड़ते। ये देखो मेरी की तरह ही कर रही है। देखो ये तो साथ में खत्म कर देगी, एक मिनट में खत्म कर देगी तो सारा का सारा अंडा तोड़ के। अब एक छुट्टी करेगी तो वानी का खुश होकर, बच्चा खुश होकर तोड़ते हैं, हंसते हुए तोड़ते हैं। मम्मी की हो रही है तबीयत खराब, उनको आज है ना गैस तेजाब बन रहा, तो आज उन्होंने जमे तोड़े हैं और लगी रही है दोपहर में मेरे साथ में। और जब से कन्नू आ रहा ना, वानी का उसके साथ में खेल ही रही है, खेल ही रही है। दोनों भाई बहन एक दूसरे के साथ में इतनी जल्दी टाइम निकल जाता है ना, पता नहीं चलता दोनों को और हमें भी बिल्कुल भी। क्योंकि कन्नू है ना, जब अकेला था ना तो ये बाहर ही रहता था सारा दिन, सारा सारा दिन बाहर ही रहता था। लेकिन अब वानिका आ गई है, जब से ये वानिका के साथ में खेलने लगा है, नहीं तो अपने पड़ोस में बच्चों के साथ में खेलता रहता था। तो 12 बजे से 6 बजे तक मेरे जमे टूटे हैं, और जमे काफ़ी तोड़ दिए हैं। दो बार वो नीले वाला टिफिन दो बार बनाया था, एक बार तो ये टूट करके ये तो सूख भी गए हैं, बल्कि ये वाले सूखे नहीं है। पंखा चला रखा है, मक्खियाँ ना लगे और इन पे है ना जल्दी सूख जाए, एक जगह इकट्ठे ना हुए। आज राजमा भिगोया था, राजमा उबलने के लिए रख दिया है, और झाड़ू भी सारी जगह लगा दी है, साफ़ सफाई करके करके झाड़ू लगा दी। नहीं तो दोपहर के टाइम है ना बहुत गंदा हो जाता है यहाँ पे। बर्तन सारे के सारे इकट्ठे कर लिए, चाय वाय के, चाय के सारे बर्तन यहाँ पे, चाय नाश्ता किया था, जवे बनाए थे नमक के। हम है ना बहुत अच्छा हो रहा, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, मम्मी को आज पंखे की ज़रूरत नहीं है, नहीं मम्मी की कोई फ्रेंड आई है पंखे की हवा में बैठने के लिए। क्योंकि जब बारिश, जब है ना धूप होती है और गर्मी होती है तो यहाँ पे पंखा चलता रहता है, मम्मी की फ्रेंड भी आई जाती है उनके पास बैठने। वाणी का बंदर है बाहर बेटा, आ जाओ, देखो कितनी जल्दी, चीजी नहीं, आ जाओ मंकी है, जल्दी आओ, आ जाओ, चीजी नहीं खाते, दांत खराब हो जाते हैं, काले काले हो जाते हैं, जल्दी आओ। और अभी मैंने इसको एक ऑरेंज कलर के पजामे पहना रखी थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी, और ये वाले पजामे देहरादून से मॉल में से लेके आए थे हम इसके लिए। ओफो, एक और बैलून फूट गया।
सुंदर होगा कल, बहुत सुंदर हो गए। चलो चलो फूट जाएगा ये ऐसे, इन्हें पैर मार मार के। ये पटक गए। पानी का मतलब बूरे का है ना, वोकर लेकर के आ गई है। और वोकर कभी उल्टे बैठ के, कभी सीधे बैठ के, कभी उल्टे बैठ के, कभी सीधे बैठ के ऐसे चलाया जा रहा पूरी मस्ती में। ये देखो कितनी मस्ती आ रही। कैसे बैठते हैं वानिका इसमें? खड़े होकर चलाओ, खड़े होकर चलाओ वानिका, ये नहीं ऐसे ऐसे चलाओ। वेरी गुड। अब इसमें बैठ के वानिका बनाना खाएगी। पर चावल भिगो करके रख दिए हैं, चावल कुकर में बनाऊंगी। और सबसे पहले डाल दिया कढ़ाई में तेल, और यहाँ पे है राजमा। मुझे आज कुल्ली कुल्ली किसी का बैलून बना के दे दोगी? हाँ बेटा दे दूंगी मैं। मेरे से आता है गुल्ले किसी का बैलून बनाना, लेकिन छोटा बनता है उसका, बड़ा नहीं बना पाते। और मैंने बचपन में बहुत बनाए है। हाँ दे दूंगी, ठीक है। अभी तो आपके पास ये बैलून है, कल दूंगी आपको बना करके। चलो ठीक है दे दूंगी, गुल्ले की सीख लिया। नहीं नहीं नहीं, गुल्ला नहीं खाना है आपको। ये सोचता है कि कभी मेरी मम्मी से कुछ आता ना हो। हमेशा ये कहता है कि हरियांश की मम्मी ये बना करके दे रही है, आपसे आता है बनाना? मैंने कहा ठीक है बनाना तो आता है मुझसे। और मैंने सारा सामान तैयार कर लिया राजमे के लिए, लहसुन प्याज और टमाटर काट लिया है, अब बस तड़का लगाना है उसमें। सबसे पहले तेल डाले, तेल गरम हो गया था। और जीरा हमारे पास आज काफ़ी कम मात्रा में है, तो इसे सारा का सारा डाल देते हैं जीरा। और इसके बाद लहसुन, फिर प्याज, और फिर सबसे बाद में टमाटर। तो कन्नू फिर से आ गया, और लहसुन प्याज डाल दिया है इसमें। और जो मेरा चमचा है ना वो बहुत ही गर्म हो गया है, छोटा चमचा लिया था मैंने ज़्यादा ही। प्याज का जो पेस्ट था वो हमारा हो गया था थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर का। और अब मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर, और ऊपर से डाल दिए हैं हल्दी, नून, मिर्च और गरम मसाला। मैं सबसे बाद में डाल दिया, तो थोड़ी देर में हो जाएगा धीमी आंच पे कर देती हूँ इसको, और इसको ऊपर से ढक देती हूँ। फिर से बना रही हूँ अभी, अभी मुझे राजमा बना लें दो, क्योंकि मेरा राजमा बहुत देर हो गया रखे रखे। देख पापा के पास नहीं आने की है? उसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे दीजिए आप, यहाँ पे पास करना तो आप भी चले जाओ। साढ़े आठ बज गए हैं और अब तक खाने का टाइम नहीं हुआ, सारी चीजें तैयार हैं। मैंने तो टेस्ट भी कर लिया और एक फल लगा करके दे करके भी आ गई। तो यहाँ पे राजमा भी तैयार है, और चावल और आटा रोटी के लिए। फिर भी पता नहीं किस चीज़ की वेट कर रहे हैं। हाँ खाना खाओगे? ये चाहिए आपको? ठीक है।